नमो नमः। नमस्कार, मैं निखिल जैन शास्त्री, आपका संस्कृत शिक्षक, उपस्थित हूँ आज की कक्षा में। प्रारंभ करते हैं आज के पाठ को श्लोक क्रमांक 7 के द्वारा। सर्वप्रथम एक एक शब्द को पृथक पृथक रूप में सुनते हैं ताकि श्लोक का उच्चारण आसान हो जाए। प्रारंभ करते हैं। चिंतनीया, चिंतनीया, ही ही, विपदाम, आदावेव, आदावेव, प्रतिक्रियाः, प्रतिक्रियाः, न कूपखननम, कूपखननम, युक्तम, प्रदीप्ते, वह्निना, वह्निना, वह्निना। यहाँ पर हा आधा रहेगा और जो ना है उसमें छोटा ई की मात्रा के साथ पूरा रहेगा, तो उच्चारण हो जाएगा वह्निना, गृहे। अब श्लोक का गायन सीखते हैं। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। एक बार पुनः सुनते हैं। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अब शब्दों का अर्थ समझते हैं। चिंतनीया अर्थात सोचना चाहिए, पहले से ही उपाय समझ लेना चाहिए। ही अर्थात निश्चय से, विपदाम मुसीबतों का, परेशानियों का, आदावेव प्रारंभ में ही, पहले से ही, प्रतिक्रिया समाधान, ना अर्थात नहीं, कूप खननम, कूप अर्थात कुआं और खननम मतलब खोदना, युक्तम उचित, प्रदीप्ते जलने पर, वह्निना आग द्वारा, गृहे घर में। अब अर्थ समझते हैं। निश्चय से आने वाली मुसीबतों का समाधान पहले ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि आग द्वारा घर जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यदि हमें मालूम है कि हमने कोई एक निश्चित कार्य प्रारंभ किया है और इस कार्य को करने में आगे विभिन्न प्रकार की मुसीबतें आ सकती हैं, तो उन मुसीबतों का उचित समाधान हमें पहले से ही सोच लेना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि जब मुसीबत आएगी तब उसका समाधान देख लेंगे। ऐसा सोचने पर क्या हो सकता है, जिस समय मुसीबत आई हो सकता है हम घबरा जाएं और मुसीबत का डटकर सामना नहीं कर पाए। इसीलिए क्या करना है, यदि हमें मालूम है कि हमारे कार्य में किसी भी प्रकार की बाधाएं, मुसीबतें आ सकती हैं, तब उनका समाधान भी हमें पहले से ही सोच लेना चाहिए, तभी तो उन मुसीबतों का सामना हम समय रहते कर पाएंगे। उदाहरण दिया है, जैसे यदि किसी के घर में आग लग जाए और यदि वह आग बुझाने के लिए पानी ढूंढे और पानी ना मिले, तब वह अपने घर में कुआं खोदना प्रारंभ कर दे, क्योंकि कुएं से तो बहुत सारा जल मिल सकता है, तो क्या ये उचित है तुरंत कुआं खोदना? अरे जितने समय में वह कुआं खोदेगा उतनी देर में तो उसका घर जलकर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि जब मुसीबतें आती हैं तब मुसीबतों का समाधान हमें पहले से ही सोच लेना चाहिए। यदि हमारे कार्य में मुसीबतें आती हैं और हमारे पास उनका उचित समाधान नहीं होगा, तब वह कार्य हमारा अधूरा ही रह जाएगा और हम असफल हो जाएंगे। तो असफलता से बचने के लिए हमें मुसीबत को दूर करना
चाहिए और मुसीबतों को दूर करने के लिए उचित समाधान वो हम पहले से ही सोचकर रखें। मुझे उम्मीद है आप इस सीख को अपने जीवन में अवश्य ही अंगीकार करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।